नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नागौर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम पढ़ेंगे वेल्डेड जॉइंट के बारे में, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ठीक है। आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आज हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सवाल है, ये कुछ IES में आए हुए हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इन ए फ्लैट वेल्डेड जॉइंट द वीकेस्ट एरिया ऑफ द वेल्ड, वेल्ड का जो वीकेस्ट एरिया जो होता है वो आपका कौन सा होता है, वीकेस्ट एरिया जो होता है वो आपका कौन सा होता है एक पैरेलल फिलेट वेल्ड में, वो होता है आपका थ्रोट। थ्रोट जो होता है वो आपका सबसे वीकेस्ट एरिया होता है। थ्रोट मतलब गला। आदमी को जब मारते हैं गले पे तो उसकी मृत्यु बहुत ही जल्दी होती है। इसी तरीके से आपके एक फिलेट वेल्ड जो होता है उसके अंदर थ्रोट होता है, जहाँ से सबसे पहले वेल्डिंग आपकी टूटती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो होता है वो एकदम सही है। इसके बाद में देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34। ए सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड ऑफ लेंथ एल एंड वेल्ड साइज इज एच, ठीक है, आपका उस पर लोड लगता है आपका पी। तो इसमें पूछा है आपका डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है। स्ट्रेस बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे जो आपका पैरेलल फिलेट वेल्ड में जो एरिया होता है वो होता है 0.707 L × H, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो आपका आंसर जो होगा वो सी सही होगा, पी अपॉन 0.707 L × H, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर 35। 35 क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, दो मेटल की प्लेट दे रखी है, इनकी थिकनेस जो है वो डी है और आपकी एक इस पर वेल्डिंग की हुई है, और सवाल में पूछा है आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस बराबर होता है वही फोर्स अपॉन एरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्स एफ अपॉन एरिया। एरिया बराबर होगा थ्रोट का एरिया, WT × sin 45। तो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, एफ अपॉन WT × sin 45। इसके बाद में नेक्स्ट जो सवाल है वो आपका आता है बट वेल्डेड जॉइंट, ठीक है। बट वेल्डेड जॉइंट में आपका जो लोड दे रखा है वो है पी और आपकी जो हाइट दे रखी है वेल्ड की वो है आपका एच और लेंथ दे रखी है वो है आपकी एल। इस तरीके से आपका टेंसाइल जो स्ट्रेस होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो सिमिलरली पी अपॉन एरिया जो हो जाएगा वो होगा आपका स्मॉल एच इंटू एल। तो आपका आंसर जो होगा वो बी सही हो जाएगा, पी अपॉन एच इंटू एल। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में आपका पूछा है कि एक हुक है जिसके अंदर दोनों तरफ वेल्डिंग की हुई है, पार्ट ए और बी। पहले दोनों की जो थिकनेस थी वो सेम थी, इसके बाद में बी की जो थिकनेस है उसको आपने थोड़ा बढ़ा दिया। थिकनेस बढ़ाने के बाद में पूछा है कि आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी। लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी सेम रहेगी क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो वेल्डिंग की सेम रहेंगी, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो आपका आंसर सी जो होगा वो हो जाएगा सही, रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर 38। इसमें आपका दिया हुआ है डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड में क्या होगा कि आपका जो लोड है वो P/2 होगा। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो सी सही होगा, वो इसलिए होगा पी अपॉन 0.707 B × L है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा पी अपॉन √2 B × L, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो देखते हैं 39। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें आपका जो फिगर दे रखे हैं, इसमें दो फिगर दे रखे हैं, पहले में वेल्डिंग एक तरफ की हुई है, दूसरे में वेल्डिंग दूसरी तरफ की हुई है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इस तरीके से अपन देखेंगे कि ये जो वेल्डिंग की हुई है ये माइल्ड स्टील पे की हुई है। माइल्ड स्टील जो ब्रेक होता है
वो होता है आपका सीयर में। एक चीज़ ध्यान रखना, माइल्ड स्टील सीयर में जल्दी ब्रेक होता है और ब्रिटल किस में ब्रेक होता है, टेंशन में। इस तरीके से आपका जो फिगर टू है वो एकदम सही डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। पहले वाला जो है ये जल्दी ब्रेक होगा क्योंकि इसमें सीयर लगेगा। इस तरीके से आपका आंसर जो सी है वो सही होता है, कि आपका जो सेफ स्ट्रेस इन वेल्ड इन टेंशन इज़ ग्रेटर देन सीयर। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन में दे रखी है आपकी, दो प्लेट्स दे रखी है और इसमें वेल्डिंग की हुई है, जिनकी साइड की जो लेंथ है वो L और L है, और इस तरफ की जो लेंथ है वो है 100। तो टोटल लेंथ हो जाती है 2L + 100। और आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दे रखा है अलाउबल सीयर लोड पर mm 300 पर mm में 300 न्यूटन है। तो आपका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 100 + 2L × 300 इज़ द टोटल फोर्स, जो आपका है 150। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 300 × 100 + 2L = 15,000। तो आपका L बराबर 200 mm, तो आंसर आपका हो जाएगा B, एकदम सही। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। टॉर्क बराबर क्या होता है, सीयर स्ट्रेस इंटू आपका रेडियस। रेडियस हो जाएगा आपका D/2, ठीक है, और सीयर फोर्स जो होगा वो हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया होता है πD × T, टी थ्रोट की थिकनेस। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी एकदम सही हो जाएगा, πD²/2T × τ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है कि आपका सीयर स्ट्रेस कैसे क्या होगा। सीयर स्ट्रेस क्या होगा, जैसा कि अपन को फॉर्मूला पता है, T/J = σ/radius, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी एकदम सही हो जाएगा, 2T/π/dt²। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।